अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम जो है अपने फर्स्ट पोयम की तरफ जो है चलते हैं। द नेम ऑफ द पोयम इज इट्स अ स्मॉल वर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7 और यूनिट है 1.1, पहला यूनिट। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स। देर इज सो मच दैट वी शेयर दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। देर इज जस्ट वन मून एंड वन गोल्डन सन एंड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरी वन। दो द माउंटेन्स डिवाइड एंड द ओशंस आर वाइड, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, 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 इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड। ये जो है पोयम का जो है हमने अभी रेसिटेशन किए। चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। अब यहाँ पर जो पोयम जो पोएट है उसका नाम जो है यहाँ पर रिचर्ड एम शर्मन एंड रॉबर्ट बी शर्मन, इन्होंने ये पोयम जो है लिखी हुई है। क्या बोल रहे हैं वो, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। हम जो है पोयम का जो टॉपिक देखते हैं तो ही समझ में आ जाता है कि वहाँ पर जो है पोएट क्या बोल रहा है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ये एक छोटी सी दुनिया है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, हाँ ये एक छोटी सी दुनिया है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, हाँ यहाँ ये दुनिया क्या है, मुस्कुराने की है, जिंदा दिली की है। मुस्कुराना यानी कि लाफ्टर यानी कि हंसना, हंसने की दुनिया यानी कि मुस्कुराने की दुनिया है, खुशी की दुनिया है, जिंदा दिली से जो रहने की दुनिया है। अगर आपको दुनिया में रहना है तो पोएट यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जो है हंसना पड़ेगा, आपको जो मुस्कुराना पड़ेगा, आपको जो है खुशी से रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट लाइन में अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, टीयर्स यानी कि अब यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग में क्या दिया गया है, टीयर्स यानी कि आंसू। हाँ अब यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि ये दुनिया जो है आंसुओं की भी दुनिया है, यानी कि यहाँ पर आपको जो है खुशी भी आएगी और गम भी आएंगे। हाँ आपको मुसीबतें भी आएंगी, कभी आप जो है गमगीन हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, वो इन हालात में भी जो है आपको दुनिया में रहना है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप, होप यानी कि उम्मीदें। ये दुनिया क्या है, उम्मीदों की भी जगह है। ख्वाहिश आपकी जो उम्मीद क्या है, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी जो आरजू है, व्हाट इज योर ड्रीम। ड्रीम यानी क्या कि आगे चलकर आप जो है क्या बनना चाहते हैं। अगर आपने अपने आप को सोच रखा है कि मैं आगे चलकर जो डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगी, टीचर, इंजीनियर, हम लॉयर बनेंगे, तो ये आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स, आपको जो है उम्मीदें रखना पड़ेगा। एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स, हाँ और साथ ही साथ फियर्स यानी कि डर और खौफ। ये दुनिया जो है क्या है, डर और खौफ की भी एक दुनिया है। देर इज सो मच दैट वी शेयर दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर। हाँ अब यहाँ पर उद्धव बोल रहे हैं पोएट कि हम जब दुनिया में रहेंगे तो हमें ये सब बातें जो है एक दूसरे से शेयर भी करनी पड़ेगी, कभी खुशी कभी गम, कभी उम्मीदें कभी होप्स, टीयर्स, ये सबको हमको एक दूसरे से शेयर भी करना पड़ेगा। एंड दैट इज टाइम वी आर अवेयर, अब ये वक्त भी हो गया है कि हम अपने आप को जो है जाग जाएं। इट्स अ वर्ल्ड, स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, आखिरकार जो ये दुनिया क्या है, एक छोटी सी दुनिया है। वही वो सेंटेंस बार बार बोल रहा है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, ये दुनिया जो है क्या है, एक छोटी सी दुनिया है। देर इज जस्ट वन मून, यहाँ पर एक ही जो है आसमान में जो है मून है, चांद है। देर एंड वन गोल्डन सन, और सूरज भी क्या है, सिर्फ एक ही है। एंड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरी वन, हाँ और आपको जो है आप मुस्कुराते हैं, स्माइलिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आप दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ दो द माउंटेन्स डिवाइड, हाँ अब वो बोल रहा है कि ये पहाड़ों ने जो है हमको डिवाइड करके रखा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम नहीं जा सकते, तो पहाड़ों ने डिवाइड किया है, मतलब कि सरहदें हैं। हाँ यहाँ पर बॉर्डर्स हैं, ये जमीनी रास्ते जो है यहाँ डिवाइड करके हमको रखा है कि हम एक दूसरे की कंट्री को नहीं जा सकते हैं। एंड द ओशियंस आर वाइड, हाँ लेकिन समंदर क्या है,
पूरा वहाँ पर कोई डिवाइडेशन नहीं है, पूरी तरह से वह फैला हुआ है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, आखिरकार जो ये दुनिया क्या है, एक छोटी सी दुनिया है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड। ये जो है दुनिया क्या है, एक छोटी सी दुनिया है। हाँ, अब यहाँ पर पोएट यही बोलना चाहता है कि ये छोटी सी दुनिया, हम ऐसा ना समझे कि दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया जो है बहुत छोटी है। अब हम देख रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो दुनिया क्या है, सिमट कर रह गई है। ये फेसबुक है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, उसके जरिए जो है हम दुनिया के कोने कोने से जो है हम कनेक्ट हो चुके हैं। इसीलिए क्या है, ये दुनिया क्या है, अब एक बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। ये जो है इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था।